नोटबंदी, नोटबंदी हो गया, आप लोग लाइन में लग करके अपना 1500 का नोट बदल लिए, लेकिन उस नोट बदलने के बाद क्या हुआ? काला धन आया, भ्रष्टाचारी पकड़े गए, आतंकवादी की घटना रुक गई, नक्सलवाद की घटना रुकी। अगर आतंकवाद की घटना रुक जाती तो पुलवामा में कौन आए थे मोदी जी के चाचा जी कुछ कांड करने के लिए? कौन था ये हमको बताइए। इसका मतलब देश से झूठ बोला गया, जैसे नोटबंदी के वक्त झूठ बोला गया था वैसे ही सीएए के वक्त झूठ बोला जा रहा है। और झूठ बोलने का करामात ये देखिए कि प्रधानमंत्री बोलते हैं पूरब तो गृह मंत्री बोलता है दक्षिण। प्रधानमंत्री बोले कि एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा, गृह मंत्री बार बार पार्लियामेंट में बोले कि एनआरसी लागू किया जाएगा। अब एनआरसी पर जब गृह मंत्री की गर्दन फंस गई तो गृह मंत्री कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं किया जाएगा, एनपीआर किया जाएगा। ऐसे लगता है जैसे हर एक माल का दुकान हो, रोटी बेलने वाला बेलना लीजिएगा 10 रुपया, बच्चा खोलने वाला खिलौना लीजिएगा 10 रुपया। कभी सीए बोलते हैं, कभी एनपीआर बोलते हैं, कभी एनआरसी बोलते हैं। आपके खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचाइए, एक बार भी नहीं बोलते हैं। लोगों को 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिली है, एक बार भी नहीं बोलते हैं। बेटियों के ऊपर बलात्कार क्यों हो रहा है इसके बारे में एक बार भी नहीं बोलते हैं। मोदी जी ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मोदी जी के राज में यह हो रहा है कि बेटियों का सर फोड़ा जा रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। और जो बलात्कार करने वाला आदमी है कुलदीप सेंगर, जो भाजपा का विधायक है, उसको बचाया जाता है। उसको बचाने के चलते कोर्ट सीबीआई को फटकार लगाती है। और आप ये देखिए कि जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप होता है आरोपी हॉस्पिटल में, और आरोप लगाने वाली लड़की को जेल में पहुंचा दिया जाता है। ये जो अंधकार है, ये जो अंधियारा है, इस अंधियारा को हमको आंख खोल करके समझना पड़ेगा। और स्थिति ये है कि झूठ पर झूठ, हर दिन एक झूठ को छुपाने के लिए एक नया झूठ बोला जाता है। गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं कि एनआरसी लागू होगा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं एनआरसी का कोई चर्चा नहीं है। हमारे देश के राज्य के मुख्यमंत्री भी बोले हैं कि एनआरसी नहीं होगा, लेकिन सब लोग जो है एनपीआर पर चुप्पी साध लिया है। अब समझना यह है कि ये एनपीआर क्या बला है। मोटा मोटी इतना समझ लीजिए कि एनपीआर के आटे से ही एनआरसी की रोटी तैयार की जाएगी। एनपीआर वो अंडा है जिससे ऑमलेट बनाया जाएगा एनआरसी का। 2003 में सरकार एक कानून लेकर के आई, वो भी नागरिकता संशोधन कानून ही था, जैसे अभी सरकार लेकर के आई है। उस नागरिकता संशोधन कानून में सरकार ने कहा कि हम 4 स्टेज में एनआरसी को लागू करेंगे। कैसे लागू करेंगे? तो पहले एनपीआर किया जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वो तैयार किया जाएगा। तैयार कैसे किया जाएगा? तो एक अप्रैल से सरकारी बाबू आपके घर में आएंगे, और सरकारी बाबू आकर के आपसे पूछेंगे कि आपके दादाजी के दादाजी कहां पैदा हुए थे। हंस रहे हैं जी, याद है आपको आपके दादाजी के दादाजी का नाम? किसी को याद नहीं है, तो आप जो है भारत के नागरिक नहीं है। कितना बाहियात बात है, आप इसको सोच लीजिए कि दादाजी के दादाजी क्या करते थे, और दादाजी के दादाजी का जो पेशा था वो क्या था, दादाजी के दादाजी कौन सी भाषा बोलते थे। तो एक बात हमको बताइए, पहले चलन में बहुत सारा शब्द चलता था,